अगर आपका टारगेट है 40+ MCQs का तो अभी ज्वाइन करिए हमारा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आपको मिलेगा डेली वीडियोस, PDF नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, यानी कि एक रूम में जब एक क्लास लगाई जाती है या क्लास का मतलब जो एक टीचर और एक स्टूडेंट जहाँ पे बैठते हैं जिस कमरे में उसे बोलते हैं क्लास रूम। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ है कि आपस में वहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होता है कि जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे उसकी बातों को सुनते हैं, वो होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को इंटरेक्ट करना। कम्युनिकेशन का मतलब है कॉमन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जब दो व्यक्ति अपने विचार आपस में साझा करते हैं तो उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, देखिए, व्हेन टीचर कम्युनिकेट्स विद स्टूडेंट्स ही शेयर्स इन्फॉर्मेशन विद देम। यानी कि जब टीचर स्टूडेंट के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो अपने विचार जो है, जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब टीचर स्टूडेंट के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी फैक्ट्स, फीलिंग, ओपिनियन और इंस्ट्रक्शन। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये फैक्ट्स इनके तथ्य हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती है, ओपिनियन हो सकती है या इंस्ट्रक्शन हो सकती है। मान लीजिए क्लास में एक टीचर है, वो बच्चों को समझा रहा है, ठीक है, कोई पढ़ाई करवा रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, तो वो भी कम्युनिकेशन है। अगर उनको वो कुछ ओपिनियन या कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो भी कम्युनिकेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टीचर का बच्चों को क्लास के अंदर कुछ समझाना, कुछ नॉलेज शेयर करना, वो क्या हो गया, क्लासरूम कम्युनिकेशन। दीज आर आइडियाज इन हिज माइंड विच इनकोड इन टू मैसेज मेड अप ऑफ साइन सो दैट स्टूडेंट्स कैन रिसीव नॉलेज। देखिए, टीचर के दिमाग में जो आइडिया होता है वो उसे इनकोड करता है। इनकोड का मतलब होता है कि वो मैसेज को भेजता है तो बच्चे उसको रिसीव करते हैं। यानी कि टीचर के दिमाग में जो चल रहा है, जो टीचर पढ़ाना चाहता है, जो कुछ कहना चाहता है वो उसके दिमाग में होता है, तो वो उस मैसेज को, अपने दिमाग में चल रही बातों को टीचर जब बच्चों को समझाता है तो बच्चे उसे रिसीव करते हैं, उस नॉलेज को रिसीव करते हैं, तो वे हो गया कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या हुआ कि जब टीचर बच्चों को समझाता है, पढ़ाता है, तो बच्चे उस नॉलेज को लेते हैं, तो उसे बोलते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन में दो चीज़ें होती हैं हमेशा, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। ठीक है, यानी कि टीचर अपनी नॉलेज जो दे रहा है वो हो गया सेंडर, बच्चे उसे रिसीव कर रहे हैं वो हो गए रिसीवर। ठीक है, तो इसे कोडर डिकोडर भी कहते हैं, इनकोडर और डिकोडर। ठीक है, सेंडर को इनकोडर बोलते हैं और रिसीवर को डिकोडर भी बोलते हैं। तो ये तो इसकी इंट्रोडक्शन, आइए जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए, टीचर ट्रांसमिट दिस मैसेज इज बाय मींस ऑफ सम मीडियम। अब देखिए, हमने ये बात की है कि यहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, जो अपनी नॉलेज दे रहा है, पर वो किस तरीके से नॉलेज देगा। यानी कि अगर टीचर ने कोई नॉलेज शेयर करनी है बच्चों को, वो तो हो गया कम्युनिकेशन। अब वो अपनी नॉलेज कैसे शेयर करेगा, किस हिसाब से करेगा, कौन से वे हैं, ठीक है, आइए वो जानते हैं। देखिए, पहला था ओरल। ओरल का मतलब स्पोकन। जब टीचर बोल के किसी बच्चे को या क्लास के बच्चों को जब समझाता है तो उसे बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन, जब ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख के दिखाता है तो बच्चे उसको नॉलेज को रिसीव करते हैं तो उसे बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल, ना ही वो इसमें बोलता है ना ही इसमें वो लिखता है, तो इसमें क्या है, वो कोई चार्ट, कोई पिक्चर या कोई डायग्राम या कोई एक्शन करके दिखाता है। ठीक है, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा कि टीचर ने कुछ बच्चों को समझाना है तो एक चार्ट पे बना के दिखा, चार्ट पे समझा देगा, पिक्चर पे, डायग्राम पे या एक्शन पे एक्शन करके दिखा देगा, तो ये क्या हो गया, ये नॉन वर्बल। यानी कि जो कम्युनिकेशन है, टीचर अपना मैसेज होता क्या है कि टीचर को एक मैसेज को पहुँचाना है, अपनी नॉलेज को शेयर करना है। ठीक है, तो वो ओरल से करेगा, बोल के या लिख के या बिना बोले और बिना लिखे नॉन वर्बल से। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों ही तरीके क्या है, ये कम्युनिकेशन के तरीके हैं किसी क्लासरूम के अंदर। द स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स आर ओनली टू ऑफ वेरी मैनी आइडिया मैनी मीडिया। वन मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट वी कम्युनिकेट नॉट ओनली विद वर्ड्स बट थ्रू अवर अपेरेंट एटीट्यूड एंड एक्शन। देखिए, जो स्पोकन और रिटन वर्ड्स है वो दो तरह से हो सकता है। ठीक है, तो एक तो हो गया जिसमें हमें फैक्ट के बारे में
पता होना चाहिए कि टीचर क्या जैसे हम किसी को क्या कहना चाहते हैं तो वो बच्चे क्या समझ रहे हैं ऐसे, ठीक है। इनकी जो टीचर ने बच्चों को समझाना है तो बच्चों को भी पता होता है कि टीचर ने हमें क्या समझाना है। जैसे होता है ना कि टीचर कोई लेसन के बारे में कुछ पढ़ाना होता है तो पहले बताएगा हमें ये लेसन पढ़ेंगे, फिर बच्चे उसको सुनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मोस्ट ऑफ्टन इन द क्लासरूम दैट्स द स्पोकन वर्ड्स इज द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज इट इनेबल्स टू यूज़ वॉइस इन्फ्लेक्शन एंड यू टोन टू अंडरलाइन द एम्फेसिस द मीनिंग ऑफ द मैसेज। देखिए इसमें क्या है कि जो क्लासरूम में हमेशा जो है वो वर्ड जो शब्द है उसको बोल के समझाया जाता है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। यानी कि किसी क्लास के अंदर अगर टीचर कुछ बोल के समझा रहा है तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वॉइस है, जो टीचर की आवाज़ है, जो टीचर समझा रहा है तो वो बच्चों को जल्दी में समझ में आएगा जिस टोन के हिसाब से समझाएगा। यानी कि अगर ये मान के चलिए कि अगर टीचर ने कोई वर्ड या कोई लाइन या कुछ जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट पढ़ाना है तो उसको वो अलग से पढ़ाएगा, थोड़ा सा टोन को अपना हल्का या भारी कर देगा, तो बच्चे उसको टोन को समझेंगे कि हाँ हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। वॉइस कम्युनिकेशन आल्सो इनेबल्स द टीचर टू मेक यूज़ ऑफ डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स सो दैट द टीचर कैन हाउ कैन नो व्हाट द स्टूडेंट सो दैट द टीचर वी कैन नो व्हाट द स्टूडेंट आर हियरिंग एंड व्हाट दे आर फेलिंग टू हियर। देखिए इसमें क्या है कि वॉइस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है वॉइस कम्युनिकेशन के द्वारा, यानी कि जब टीचर क्लास में आकर बच्चों को समझाता है, पढ़ाता है, बोल के समझाता है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है डायरेक्ट फीडबैक देते हैं टीचर को। जैसे मान लीजिए कि क्लास में एक टीचर ने बच्चों को पढ़ाया तो वो पूछेगा कि क्या आपको समझ में आया, अगर बच्चे बोलेंगे हाँ यस, ठीक है, तो जितने ज़्यादा बच्चे यस बोलेंगे समझो बच्चों को समझ में आ गया। अगर 50 स्टूडेंट में से सिर्फ एक दो ही यस बोले तो मतलब समझ में नहीं आया, ठीक है। इससे क्या होगा, डायरेक्ट फीडबैक मिलेगा। यानी कि जब टीचर वॉइस कम्युनिकेशन करता है तो डायरेक्ट बच्चों का फीडबैक मिलता है, इससे पता चलता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है और कहाँ बच्चे सफल हो रहे हैं, काफ़ी असफल हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए फ्रेंड्स कम्युनिकेशन की टाइप्स आपने काफ़ी वीडियोज़ में काफ़ी बुक्स में पढ़े होंगे, आपका ये थोड़ी सी अलग दिखेंगी, ठीक है। तो क्योंकि मेरा मानना है कि मैं आपको उतना करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिससे बनते हैं, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दो तरह से है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल सिग्नल्स कौन से हैं, देखिए पहला है लैंग्वेज। देखिए अगर टीचर कुछ बच्चों को बोल के समझा रहा है, कुछ वॉइस कम्युनिकेशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी ये बात है कि लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। वो बच्चों को हिंदी में पढ़ा सकता है, इंग्लिश में पढ़ा सकता है, पंजाबी में पढ़ा सकता है, कैसे भी पढ़ा सकता है। जैसे अभी आपको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, है ना, तो कहने का मतलब है कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कम्युनिकेशन में। बिना लैंग्वेज के कुछ नहीं आप समझ पाते। अब आप देखिए कि अब आप किसी को, जैसे आपको अपनी भाषा आती है तो आप अपनी भाषा वाले बंदे से बात करोगे, अगर आपके सामने साउथ इंडियन बंदा आ जाए तो आप उसकी बातें ना समझ पाओगे ना वो आपकी बातें समझ पाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज इसमें होती है। वॉइस टोन, देखिए इसमें वर्बल सिग्नल में वॉइस टोन का होना बहुत ज़रूरी है। वॉइस टोन से होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे आपस में दो बंदे बात कर रहे हैं, अगर वो बहुत ऊंची ऊंची आवाज कर रहे हैं तो हम सोचते हैं वो लड़ रहे हैं, अगर वो बिल्कुल पोलाइटली बात कर रहे हैं हम सोचते हैं कि वो आपस में प्यार से बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि ये वॉइस टोन पर निर्भर करता है कि है तो कम्युनिकेशन ही है, बस वॉइस टोन से ये पता चल जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्लोज़र, खुलासा। डिस्क्लोज़र का क्या मतलब है कि जैसे देखिए कि किसी के मन में कुछ भी बात हो, जैसे टीचर ने बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट उठाना या किसी मन में कुछ बात हो, तो वो वर्बल सिग्नल से, यानी कि वो बोल के अपने मन के जो बात है, नॉलेज है, वो उसको खुलासा करके बताएगा, डिस्क्लोज करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वैलिडेटिंग स्टेटमेंट। तो वैलिडेटिंग स्टेटमेंट से क्या होगा कि जैसे टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाएगा कि आप ये इंपॉर्टेंट लेसन ये कर लो, इस बार ये आने वाला है, इस बार ये आएगा, अगली बार ये आएगा, है ना। तो उसमें कहता है कि वैलिडिटी स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है जो टीचर ने कहा है, वैलिडेटिंग का मतलब होता है शुद्धता, ठीक है, शुद्धता, कितनी शुद्धता है इसमें, कितना वैलिड है। तो टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो बच्चों को कितना उनके लिए फ़ायदेमंद है, तो वो होता है वैलिडेटिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन या मिररिंग स्टेटमेंट, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या है, जैसे क्लास में टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया तो बच्चों को जो समझ में आया, जैसे टीचर ने क्लास में बच्चों को पढ़ा दिया तो
तो बच्चे जब उसको समझ लें तो टीचर अगले दिन बच्चों से कल का पढ़ाया हुआ सुन लें तो बच्चे उसको समझा सकते हैं, सुना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चे को अगर याद रहता है तो बच्चे उसको सुना देते हैं, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट है नॉन वर्बल सिग्नल। इसमें कोई भी वॉइस कम्युनिकेशन नहीं है, इसमें क्या है कि इसमें बिना बोले, ठीक है, बिना बोले लिखे, ये वो वाला कम्युनिकेशन है नॉन वर्बल जिसे कहते हैं। इसमें क्या है, गुड आई कॉन्टैक्ट। अब क्लास में टीचर जो है वो बच्चों से गुड आई कॉन्टैक्ट बना के रखता है ना, तो गुड आई कॉन्टैक्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए तो आपको सामने वाले पर्सन की आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ती है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। अब नॉन वर्बल सिग्नल में जो गुड आई कॉन्टैक्ट है, इसमें टीचर क्लास में बच्चों से गुड आई कॉन्टैक्ट बना के रखता है। फेशियल एक्सप्रेशन, जब टीचर बच्चों को समझाता है ना, तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है। आप देखिए कि जैसे बच्चों टीचर ने बच्चों को क्लास में टीचर जब बच्चों को क्लास में कुछ पढ़ा रहा है तो बच्चों का अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों का एक्सप्रेशन कुछ अलग होगा, अगर नहीं समझ में आया तो उनका हैरानी वाला एक्सप्रेशन होगा, है ना, तो वो बात होगी। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज की। टीचर बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि टीचर किस हिसाब से बच्चों को पढ़ा रहा है ना, उसकी बॉडी कहाँ कहाँ कैसे कैसे वर्क कर रही है। कुछ बात करते करते ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल करते हैं, है ना, इशारे वगैरह, वो चीज़ बॉडी लैंग्वेज में होता है कि वो किस हिसाब से समझा रहा है बच्चों को। साइलेंस, कई बार कहता है कि साइलेंस, बिल्कुल, जैसे आप देखिए कि जब आप UGC नेट का एग्ज़ाम देने जाते हो, क्लासरूम के अंदर जब आप बैठते हो तो आप बिल्कुल साइलेंस, ठीक है, बिल्कुल शोर नहीं होता, बिल्कुल एकदम चुप्पी होती है। नेक्स्ट है टचिंग। देखिए कुछ बातें होती हैं कि जो टीचर बच्चों को टच करके, इनकी जब वो बोर्ड के ऊपर कुछ करवा रहे हैं या कुछ भी है, टच करके करवाता है, ठीक है, इनकी कुछ इशारा होता है वो जिस पे वो टच करता है तो बच्चे उसको आसानी से समझ आते हैं, तो उसे बोलते हैं टच। ये किस में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो आज हमने पढ़ा है कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, ये कौन कौन से होते हैं, तो ये कौन कि इस ये जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है कि अगर कोई अपनी बात किसी को कहना चाहे। क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या है कि जब टीचर अपना मैसेज, अपनी नॉलेज बच्चों तक पहुंचाता है तो उसे कहते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, देखिए बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन आर क्लियर। बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन यानी कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसमें जो बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, जैसे यानी कि जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो बच्चों को समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो उसको वो क्लियर होना चाहिए। यानी कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है बच्चों को, जब पढ़ा रहा है अपनी टीचिंग के द्वारा, जब बच्चों को पढ़ा रहा है तो उनको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, तो इसमें देखा जाता है। असाइनमेंट एंड असेसमेंट एक्सपेक्टेशन आर क्लियर। जो असाइनमेंट दी जाती हैं बनाने, टीचर द्वारा बच्चों को बनाने के लिए जो असाइनमेंट दी जाती हैं, तो जो असेसमेंट लगाई जाती है टीचर के द्वारा बच्चों की, वो एक्सपेक्टेशन क्लियर होना चाहिए। होता है ना कि जैसे जो असाइनमेंट देते हैं बनाने के लिए, फिर असेसमेंट लगाई जाती है टीचर के द्वारा, तो कितनी असेसमेंट लगेगी, असाइनमेंट के कितने नंबर मिलेंगे, ये क्यों ज़रूरी है, तो ये एक्सपेक्टेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लास कम्युनिकेशन इज स्टूडेंट सेंट्रिक। जो क्लास कम्युनिकेशन है वो स्टूडेंट सेंट्रिक होती है, इनकी क्लास में देखिए फ्रेंड्स, क्लास कम्युनिकेशन स्टूडेंट सेंट्रिक होती है, तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं। देखिए जो क्लास है वो बच्चों के बिना जो क्लास नहीं हो सकती, ठीक है, यानी कि क्लासरूम किस लिए बनाया जाता है कि जहाँ जाके बच्चे पढ़ सके, तो इसलिए स्टूडेंट सेंटरिंग में ये है कि जो क्लास में बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो उनको कैसे कैसे पढ़ाना है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो क्लासरूम क्या हो गया, स्टूडेंट सेंटरिक हो गया, यानी कि टीचर बच्चों को कैसे समझ में आएगा, कितना समझ में आएगा, उस हिसाब से वो पढ़ाता है। स्टूडेंट्स आर इंगेज। क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या है, स्टूडेंट इंगेज हो जाते हैं टीचर से, ठीक है, टीचर से वो कनेक्ट हो पाते हैं। स्टूडेंट्स इज इंगेज इज आर्टफुल पॉज लिसनिंग। देखिए स्टूडेंट्स जो इंगेज होना वो इसमें एक आर्टफुल है। देखिए कैसे, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है जब बोलता है तो वो चुप हो जाते हैं, यानी कि टीचर ने क्लास में समझाता है तो बच्चे चुप हो जाते हैं क्लास में, ठीक है, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। इंस्ट्रक्शन आर वेरिड, ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है। रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड इन द क्लासरूम। देखिए ये जो क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन है वो
म्यूचुअल कम्युनिकेशन या रेसिप्रोकल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि क्लास में जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चे टीचर की बात को ध्यान से सुनते हैं। अगर स्टूडेंट को कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो टीचर को कहते हैं तो टीचर उनकी समस्या का हल ढूंढ देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। आइए जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, यानी कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसके क्या सिद्धांत हैं। ये जो सिद्धांत हैं जो प्रिंसिपल हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के, ये टीचर पर भी होते हैं, ये स्टूडेंट पर भी होते हैं। तो पहले जानेंगे कि टीचर पर क्या है। देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ क्लासरूम है फॉर टीचर, देखते हैं। देखिए, टीचर मस्ट नो व्हाट दे आर टीचिंग। टीचर को जो टीचर से जो अध्यापक हैं जो शिक्षक हैं उनको पता होता है कि वो क्लास में क्या पढ़ाएंगे। उनको पूरा भलीभांति पता होता है कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, स्टूडेंट्स मस्ट पे अटेंशन विद इंटरेस्ट। स्टूडेंट जो अटेंशन, यानी कि जब क्लास में टीचर जब पढ़ाता है, टीचर को ऐसा पढ़ाना चाहिए कि वो जब पढ़ाना शुरू करे बच्चों के मन में इंटरेस्ट आगे तो वो अटेंशन हो जाए, मतलब कि वो टीचर की बातों की ध्यान से सुने। द टीचर एंड लर्नर्स मस्ट यूज़ कॉमन लैंग्वेज। जो टीचर है जो लर्नर है उनको कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि जब टीचर जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहा है उसी लैंग्वेज में बच्चों को प्रश्न पूछना चाहिए, या जो लैंग्वेज बच्चों को समझ में आ रही है वही लैंग्वेज टीचर को इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे मान के चले कि क्लास में हिंदी बोली जाती है तो बच्चों और टीचर को, यानी कि स्टूडेंट और टीचर को क्या है, एक ही कॉमन लैंग्वेज, अगर हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि बच्चा जिस जो स्टूडेंट है जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस लैंग्वेज में टीचर को उसमें जवाब देना होता है। न्यू ट्रुथ टॉट शुड बी एक्सप्लेन बाय मीन्स ऑफ द नोन। देखिए, जो चीज़ें हैं वो क्लास में पढ़ाई जाती हैं, यानी कि जो चीज़ें क्लास में टीचर के द्वारा पढ़ाई जाती है उसको एक्सप्लेन करना होता है, यानी कि जो टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है अगर बच्चों के सामने वो नई चीज़ है तो पहले टीचर क्या करेगा, उस चीज़ को अच्छे से बताएगा कि ये मैं लैंग्वेज इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात देखिए कि पहली बात तो ऊपर वाला पॉइंट देखते हैं पहले कि जो कॉमन लैंग्वेज है क्लास में वो एक साधारण लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा। तो इसमें क्या लिखा है कि अगर टीचर को कुछ नए वर्ड्स का इस्तेमाल करना है तो वो पहले बच्चों को बताएगा कि ये शब्द का ये मीनिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे बच्चे आसानी से इसको समझ पाएँ। टीचर और टू इंस्पायर स्टूडेंट विद द रीज़न टू लर्न। टीचर का काम होता है कि बच्चों को इंस्पायर करें। ठीक है, किसी काम से किसी कारण से इंस्पायर करें कि ताकि बच्चे टीचर की बातों को अच्छे समझें और उसको अच्छे से पढ़ें। स्टूडेंट्स ऑट टू थिंक अबाउट द न्यू ट्रुथ टिल दे कैन कम्प्रेंड द न्यू ट्रुथ एंड द न्यू ट्रुथ बिकम्स ए न्यू हैबिट ऑफ स्किल। जो टीचर है जो स्टूडेंट है तो अगर उनको कुछ नई बातों का पता चलता है तो टीचर का ये काम है कि उसको अच्छे से समझाए। ठीक है, ताकि स्टूडेंट को उस बातों का आगे जाके कोई दिक्कत ना आए तो उनको एक नए ज्ञान की प्राप्ति हो। असेसमेंट टू टेस्ट एंड प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग इज डन। असेसमेंट क्यों होती है कि टेस्ट इसमें किया जाता है, क्या टेस्ट किया जाता है कि जो टीचर ने बच्चों को पढ़ाया है तो बच्चों ने उसको कितना समझा है। ठीक है, यानी कि टीचर ने बच्चों को जो पढ़ाया बच्चों को कितना समझ में आया है, तो इसलिए असेसमेंट की जाती है। तो ये था टीचर के लिए प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ द क्लासरूम। अब आएगा स्टूडेंट के लिए, यानी कि अभी हमने क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीचर की जिम्मेवारियाँ देख ली, अब हम स्टूडेंट की देखेंगे। देखिए, फॉर स्टूडेंट्स द लॉ ऑफ द लर्नर। अब जो लर्नर है उनका नियम क्या है। देखिए, लर्नर कम्युनिकेशन नॉट बाय हाउ मच मटेरियल इज कवर्ड बट बाय हाउ वेल इट वाज बी हैज़ बीन लर्न कम्युनिकेट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दोज हु आर लिसनिंग। इसमें क्या है, देखिए जो बच्चों को इसमें क्या पढ़ना होता है। ठीक है, यानी कि इसमें देखते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इसमें बताया गया कि बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं इतना पढ़ना होता, यानी कि ये नहीं कि जैसे आपको कोई बुक लगे आपको सारी की सारी वो रटनी है। उसमें ये पढ़ना होता है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है जितना पढ़ा रहा है आपको उतना ही पढ़ना होता है, यानी कि स्टूडेंट को सारा कुछ नहीं पढ़ना होता, उतना ही पढ़ना होता है जितना कि टीचर उनको बोलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं वही उनको करने हैं। द लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। ठीक है, लर्न टू रिकगनाइज हाउ यू परसीव योर स्टूडेंट्स और दोज विद होम यू आर कम्युनिकेटिंग। यू विल सी देम फ्रॉम गॉड्स परस्पेक्टिव रैदर देन यू आर ऑन प्री कंसीव्ड लिमिटेशन। देखिए, इसमें क्या है, लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन है, यानी कि इसमें क्या है कि
बच्चों को अगर चीज़ वो समझ में नहीं आ रही, वो कितना एक्सपेक्ट करते हैं। आप ये देखिए कि जो बुक्स में लिखा हुआ है, बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं टीचर से कि जो बुक्स में लिखा है, अगर उनको कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो वो टीचर के पास जाते हैं, तो टीचर उनकी प्रॉब्लम का हल ढूंढ लेते हैं। तो लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो उनके कितने काम में आएगा, ठीक है। तो वो होता है लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो टीचर बच्चे क्लास जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को वो कितना समझ में आ रहा है, क्या वाकई जो टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है तो उनका समझ में आएगा, या जो उनके द्वारा पढ़ाया गया है वही एग्ज़ाम में उनके काम में आएगा। तो वो लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि इस ये टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता है, ये टीचर इतना अच्छा नहीं पढ़ाता, वो लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन हो गया। यानी कि बच्चों को टीचर से ही एक्सपेक्टेशन होती है कि टीचर उनको किस हिसाब से पढ़ाएगा। द नेक्स्ट है द लॉ ऑफ एप्लीकेशन, लर्न टू इम्पैक्ट इम्पार्ट टाइम टेस्टेड विस्टम रैदर दैन नॉलेज। देखिए इसमें क्या है कि बच्चों को लर्न ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इसमें होता क्या है कि इसमें टाइम टेस्टेड, यानी कि इसमें बच्चों को ये समझना होता है कि उनको कितने टाइम में कितना करना है, ना कि नॉलेज को पूरा करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप देखते जाइए कि अगर हम जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं तो हमें नॉलेज बहुत होती है क्वेश्चन को करने की, पर हमें उतने ही नॉलेज को क्वेश्चन में लिखना है जितना कि टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ना हो कि एक क्वेश्चन को लिखते लिखते गए तो दो क्वेश्चन छूट गए, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि कितनी नॉलेज को कहाँ पे कितना इस्तेमाल करना है टाइम के अकॉर्डिंग। द लर्न द लॉ ऑफ रिटेंशन, देखिए रिटेंशन का मतलब धारण। लर्न टू आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग द मोस्ट इन्फॉर्मेशन इन द शॉर्टेस्ट टाइम फॉर द ग्रेटेस्ट रिटेंशन। यानी कि कम समय में कितनी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से दे रहे हो, ठीक है। आप ये भी सोच सकते हो कि जैसे कितने थोड़े से समय में आप कितना कुछ सीख रहे हो, ठीक है। तो वो होता है लॉ ऑफ रिटेंशन, यानी कि आपको जैसे टीचर क्लास में एक लेक्चर में पढ़ा रहा है तो आप उस समय में कितना उससे सीख रहे हो, ठीक है। द लॉ ऑफ नीड, लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड द नीड ऑफ एन ऑडियंस रैदर दैन जस्ट टू प्रोसीड द एजेंडा ऑफ द इंस्ट्रक्टर। देखिए इसमें क्या है कि लॉ ऑफ नीड, यानी कि कितनी ज़रूरत है सीखने की, ठीक है। जो स्टूडेंट है क्लास में वो कितना समझ पा रहे हैं टीचर की बातों को, ठीक है, वो चीज़। द लॉ ऑफ रिवाइवल, लर्न हाउ टू बिल्ड ए फर्म फाउंडेशन फॉर कम्युनिकेशन इन द एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। यानी कि स्टूडेंट को क्या चाहिए कि ज़िंदगी के हर एरिया में, ठीक है, लाइफ के हर मोड पर ये इस बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि उनको एक ऐसा ऐसी चीज़ बनानी चाहिए, एक ऐसी चीज़ को एक्वायर करना चाहिए, जैसे मान के चलिए कि टीचर का पढ़ाया बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो उनको ऐसा ही कम्युनिकेशन, यानी कि जो वो बातें सीख रहे हैं इसी कम्युनिकेशन को उनको अपने के दौरान होने वाली बाधाएं, जैसे मान के चले कि ऐसे आप रोड पे जा रहे हो तो वहाँ पे पुलिस चेकिंग का नाका लगा होता है ना, वो बैरियर जैसे लगाए होते हैं, सड़क बंद की होती है तो उसे बोलते हैं बैरियर। यानी कि आप जिस जगह पे जा रहे हो या आपका जो मकसद है उसमें कुछ अड़चने आ जाएं तो उसे बोलते हैं बैरियर, बाधाएं, ठीक है। तो कौन कौन सी बाधाएं हैं देखते हैं चलिए। पहला है लिसनिंग, ठीक है फ्रेंड्स। लिसनिंग देखिए सबसे पहले बैरियर में आती है लिसनिंग की बैरियर। जैसे मान के चलिए कि क्लास में एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो क्लास के बाहर कोई शोभा यात्रा निकल रही है, कभी कुछ हो रहा है या कुछ जनरेटर चल रहा है या कुछ भी आवाज़ आ रही है, तो वो क्या रहा है कि जो क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है, जो टीचर बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जो कितना इंपॉर्टेंट लेसन है, तो वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि जनरेटर की आवाज़ से क्या हो रहा है कि सारा कुछ जो कम्युनिकेशन ख़राब हो रहा है, तो हो गया बैरियर। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसमें डबल फ़ायदा आपको इस लेक्चर में देखिए, आप तो इसमें बैरियर पर पता चलेंगे क्या है, उसको सही करने के उपाय क्या है वो भी इसमें बताए जाएंगे। देखिए लिसनिंग हो गया ना बैरियर, कि क्लास में जब टीचर बच्चों को पढ़ाएगा जनरेटर की आवाज़ से उनको जो समझ में ना आए तो वो बैरियर हो गया। अब ऐसे ठीक कैसे करें देखिए, टू इम्प्रूव टीचर एबिलिटीज एज ए क्लासरूम कम्युनिकेटर। देखिए टीचर को अपनी एबिलिटी को, अगर जान की अगर टीचर को क्लासरूम में बच्चों को कम्युनिकेट करना है पढ़ाना है तो उसको अपनी टीचर एबिलिटी टीचिंग एबिलिटी को क्या करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि टीचर बहुत स्लो बोलते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है ना, तो वो भी बैरियर हो जाता है। यानी कि टीचर को अपनी एबिलिटी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करनी होती है। उसके बाद क्या होता है, ही मस्ट
फर्स्ट अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इन अदर वर्ड्स सीक नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड अंडरस्टूड बट टू अंडरस्टैंड। देखिए, उसको जो टीचर है उसको पहले ये समझना चाहिए, बच्चों के बारे में समझना चाहिए, स्टूडेंट के बारे में समझना चाहिए, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि उन्हें जो समझने के बजाय अच्छे से समझना चाहिए, यानी कि टीचर को ये पता होना चाहिए कि जो बच्चे हैं जो क्लास में बैठे हैं तो उसको मैं कैसे अच्छे से करवा पाऊँ, ठीक है, तो कैसे उनको समझा पाऊँ अच्छे से। दिस कैन बेस्ट बी डन बाय लिसनिंग एक्टिवली टू व्हाट द स्टूडेंट्स हैव टू से। इसमें क्या होगा कि अगर देखिए, इसमें क्या है कि अगर टीचर को ये लगे, यानी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसका ये पॉइंट का मतलब है कि बच्चे अगर जो बात टीचर को कह रहे हैं टीचर को आसानी से समझ में आ जाए, यानी कि जब स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम हो तो बच्चे टीचर को कुछ कहें तो उसको टीचर को उनकी बातों को समझ में आना चाहिए। होता है ना ऐसे कि जैसे टीचर ने कोई सवाल कर दिया तो बच्चों ने जवाब तो दे दिया, पर बच्चे ने कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया जो टीचर को समझ में आना चाहिए कि ये बच्चा क्या पूछ रहा है, तो वह एक अच्छी लिसनिंग मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, लिसनिंग का एक होती है हेयरिंग, एक होती है लिसनिंग। हेयरिंग होता है सुनना, लिसनिंग होता है ध्यान से सुनना। यानी कि इसमें बात कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो टीचर की कही बातों को बच्चे भी ध्यान से सुने और बच्चे की कई बातों को भी टीचर को भी ध्यान से सुनना चाहिए। देन टीचर मस्ट कल्टिवेट द एबिलिटी टू थिंक एंड कम्युनिकेट एक्यूरेट सेंटेंस वाइल स्पीकिंग। इसमें क्या है कि टीचर को सोच विचार से बोलना चाहिए और सेंटेंस को बोलते समय बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बोलना चाहिए कि ताकि बच्चों को हर एक शब्द है वो आसानी से समझ में आ जाए, क्लियर समझ में आ जाए। यानी कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाने लगेगा तो टीचर को चाहिए कि वो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें और इस हिसाब से करें बोलते समय, इस सेंटेंस का इस्तेमाल करें कि ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। देखिए, सिंप्लिसिटी भी बैरियर एक, ठीक है। प्रेफर वर्ड्स हूज मीनिंग आर फैमिलियर टू द स्टूडेंट्स। अब देखिए, सिंप्लिसिटी में क्या है कि जो सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर देखिए कि टीचर बच्चों को क्लास में कुछ पढ़ा रहा है, अगर वो वहाँ पे मुश्किल से मुश्किल वर्ड का इस्तेमाल कर दे अपने लेक्चर, वो तो देख के चला जाएगा पर बच्चों को समझ में तो आया नहीं, वो हो गया बैरियर। तो इसमें क्या है कि बच्चों को क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसका जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए कि ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। मेक स्पेशल मीनिंग ऑफ फैमिलियर वर्ड्स क्लियर द फर्स्ट टाइम यूज़ देम। अगर टीचर किसी मुश्किल वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उस वर्ड को कहने से पहले या कहने के बाद तो टीचर को उसका मीनिंग भी बता देना चाहिए कि ये शब्द का ये मीनिंग होता है, आज मैं इसके बारे में बात करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा। इफ़ टीचर यूज ए वर्ड्स लाइक टू बी अनफैमिलियर टू अ स्टूडेंट, डिफाइन दैट वर्ड। वही बात फिर से यहाँ पे कि अगर टीचर को लगता है कि जो वो शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो बच्चों को समझ में आएगा नहीं, तो पहले उसके बारे में डिफाइन कर देना चाहिए कि मैं इस वर्ड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ए टीचर नीड्स टू हैव ए फेयरली एक्यूरेट इम्प्रेशन ऑफ द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, जो टीचर है उसको जो वोकैब है यानी कि जो शब्द का उच्चारण है वो अच्छे से आना चाहिए ताकि वो बच्चों को अच्छे से करवा सके। एन एक्यूरेट नॉलेज ऑफ द एक्सेप्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो उनको जो टीचर है उसको जो शब्द है जो वर्ड्स है उसके मीनिंग का अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। इंट्रोड्यूस ए प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी मतलब है अतिरेक या फालतूपन। देखिए, अगर हम फालतू चीज़ें पढ़ते जाएंगे तो वो बैरियर हो जाएगा, यानी कि पढ़ना कुछ और है पर फालतू की बातें करके वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो उसको ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, रिडेंडेंसी इन कम्युनिकेशन अनइवनली मीन द अमाउंट ऑफ द रिपीटेशन ए मैसेज कंटेन। यानी कि एक ही जो टीचर है अगर उसने एक लाइन को बार 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 पढ़ाता रहे तो होते हैं रिडेंडेंसी, ठीक है। टीचर शुड इंश्योर दैट दे इंक्लूड ए अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द रिडेंडेंसी इन देयर इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स। टीचर को ये दिखना चाहिए कि उसको इतना ज़्यादा नहीं, यानी कि एक लाइन उसने जो समझानी है उसको 10 बार नहीं कहना चाहिए, एक बार या दो बार समझाना चाहिए। यानी कि जिसने अगर शब्दों का इस्तेमाल बार बार करना है तो उसको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, ना कि ज़्यादा अमाउंट में नहीं करना चाहिए। देन इफ एनी फ्रेज इज मिसअंडरस्टूड अदर एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन विल कैरी द पॉइंट। अगर कहीं किसी जगह पे
मिसअंडरस्टूड यानी कि किसी में भी कोई गलत फहमी है, तो इसे क्या होगा कि कम्युनिकेट विद कैरी द पॉइंट, यानी कि उसको अदर एलिमेंट से पॉइंट को क्लियर कर देना चाहिए। यानी कि अगर किसी लाइन में कुछ ना समझ आए तो टीचर को अदर पॉइंट से या अदर चीज़ से उसको कम्युनिकेट करके बच्चों को पॉइंट को क्लियर कर देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक भी बहुत बड़ा बैरियर है। देखिए फीडबैक में क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, होता है नेगेटिव फीडबैक। अगर टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को समझ में आ गया तो वो हो गया पॉजिटिव फीडबैक। टीचर ने बच्चों को पढ़ाया पर बच्चों को समझ में नहीं आया, वो क्या है, नेगेटिव फीडबैक। द इम्पोर्टेंट ऑफ द पेइंग अटेंशन टू फीडबैक इन द क्लासरूम कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड। देखिए इसमें क्या है कि क्लास में बच्चों को जो फीडबैक, देखिए ऐसा होता है कि जब क्लास में अगर टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तब बच्चों को पूरी तरीके से अटेंशन देनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फीडबैक अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया है पर बच्चों ने उसको अच्छे से समझा नहीं है, वो पेपर में फेल हो गए, तो वो क्या हो गया, फीडबैक गलत हो गया। टू वे कम्युनिकेशन हैज़ द एडवांटेज ऑफ ब्रिंगिंग फ्रॉम द लिसनर एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स विच टीचर कॉल फीडबैक। देखिए टू वे कम्युनिकेशन क्या है, टू वे कम्युनिकेशन, देखिए फीडबैक का मतलब क्या है, टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन में क्या है कि जिसमें एक तरफ है टीचर, एक तरफ है स्टूडेंट। ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो रही है, बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, उसे बोलते हैं टू वे। अब आप मोबाइल पे बात करोगे किसी से तो एक तरफ आप, एक तरफ आपका फ्रेंड है, वो भी टू वे कम्युनिकेशन। यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करें तो हो गया टू वे कम्युनिकेशन। क्लासरूम के अंदर एक है टीचर, एक है स्टूडेंट, वो है टू वे कम्युनिकेशन, जिसे फीडबैक कहा जाता है। ऑफ्टन दिस इज नॉट वर्बल इन नेचर, सो द टीचर शुड नॉट फेशियल एक्सप्रेशन ऑब्जर्व एक्शन एंड फाइनली आस्क क्वेश्चन टू सी वेदर द इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन अंडरस्टैंड। देखिए ये कोई नॉट नॉन वर्बल जो नेचर में नहीं है, यानी कि जो फीडबैक है ये नॉन वर्बल नहीं होता। इसमें ना ही बच्चों का फेशियल एक्सप्रेशन देखा जाता है टीचर के द्वारा, टीचर इसमें बच्चों का फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देखता है बच्चों को समझ आया कि नहीं, ना ही उनको एक्शन को ऑब्जर्व करता है। बस टीचर को इसमें फीडबैक है यही पूछना होता है, अपने मुंह से पूछना होता है, इसमें डायरेक्ट पूछता है इसमें कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं। यानी कि फीडबैक में बच्चों का फेशियल एक्सप्रेशन देख के अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि फीडबैक कैसा रहा है, कि जब तक टीचर बच्चों को पूछना ले। तो इसमें क्या होता है कि टीचर बच्चे से आसानी से पूछता है कि उनको समझ में आया कि नहीं। द टीचर शुड ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ फीडबैक टू एडजस्ट द पेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू सूट द स्टूडेंट्स एंड रिपीट और एक्सप्लेन एनी पार्ट्स इंडिकेटेड एज कन्फ्यूजिंग बाई फीडबैक सिग्नल। देखिए टीचर को क्या है, एक ऐसा फीडबैक लगाना, एक ऐसा फीडबैक का इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे बच्चों को, देखिए मान के चलिए इसमें जैसे टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया, अब बच्चों को कुछ बातें समझ में नहीं आई, तो टीचर को चाहिए कि अच्छा फीडबैक लेने के लिए बच्चों को फिर से वही चीज़ को दोहराए या फिर से वही चीज़ को समझाए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एम्पैथी। टीचर हु इंजॉय ए गुड रिलेशनशिप विद देयर पीपल्स हैव मच लेस डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग विद देम। अगर टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ, ठीक है, या अपने सहपाठियों के साथ जो है, जो अपने स्टूडेंट के साथ जो अच्छा जो रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उसको कभी भी कम्युनिकेटिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान के चलिए कि एक क्लास में टीचर, एक क्लास में स्टूडेंट है, तो दोनों में एक अच्छा संबंध है, टीचर बच्चों की बातों को समझता है, बच्चे टीचर की बातों को समझते हैं। ठीक है, तो उसमें उनको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इफ़ यू कैन रिमेंबर व्हाट इट वॉज लाइक टू बी पीपल एट लेवल्स यू आर टीचिंग एंड टू अंडरस्टैंड देयर इंटरेस्ट, इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू कम्युनिकेट विद योर क्लास। देखिए इसका क्या मतलब है कि अगर टीचर को जो जिस क्लास में पढ़ा रहा है उसको उनका लेवल पता है कि बच्चों को कितने लेवल तक की नॉलेज देनी है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उनको कितना समझ में आए कि जिससे वो इंटरेस्ट ले सके, तो ये बहुत आसान हो जाएगा क्लास में बच्चों से कम्युनिकेट करने का। यानी कि टीचर को पता हो कि छोटे जो बच्चे हैं उनको कितना पढ़ाना है जिससे इंटरेस्ट जागे, तो बड़े बच्चों को कितना पढ़ाना है उनका इंटरेस्ट आगे, यानी कि क्लास के हिसाब से टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चों का कैसे इंटरेस्ट बनाना है, कितना पढ़ाना है उनको, कि ताकि उनको समझ में आए, तो ये बहुत आसान हो जाएगा इसे। टेक एवरी अपॉर्चुनिटी दैट अराइज
टू कन्वे समथिंग और हेल्प ऑफ हेल्प और वैल्यू टू इंडिविजुअल पीपल्स। देखिए हर बच्चे को, टीचर को चाहिए कि हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे कि ताकि बच्चे को हेल्प हो सके, यानी कि किसी बच्चे को कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो सभी को अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, कि ताकि उनकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। लेट लेट योर पीपल्स नो दैट यू इन्जॉय टीचिंग नॉट ओनली योर सब्जेक्ट बट आल्सो द पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर क्लास। यानी कि इसमें क्या होता है कि टीचर जब क्लास में जो पढ़ाता है वो तो इन्जॉय करके पढ़ाएगा, यानी कि वो अच्छे से बच्चों को समझाएगा। अब टीचर को जो चीज़ अच्छी लगती है वो बच्चों को भी अच्छी लगनी चाहिए, यानी कि जिस हिसाब से इन्जॉय करके वो टीचिंग को बच्चों को अच्छे से करवा रहा है उस हिसाब से बच्चों को भी समझ में आना चाहिए, तो ये इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइमिंग। देखिए टाइम द गिविंग ऑफ इंस्ट्रक्शन सो दैट द बेस्ट कंडीशन आर प्रेजेंट। देखिए टाइमिंग में क्या है कि टाइम के अंदर अगर बच्चों को सारी चीज़ समझा दी जाए तो वो बेस्ट कंडीशन बन जाएगी। यानी कि मान के चले कि एक स्कूल में एक क्लास में 35 या 45 मिनट का लेक्चर होता है, तो उस टाइम के अंदर बच्चों को कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें समझानी है तो वो अच्छा हो जाएगा। डो नॉट टॉक ओवर नॉइस और परमिट पेपर्स टू कॉल आउट और टॉक वाइल यू आर स्पीकिंग। बच्चों को ये समझाना चाहिए इसमें कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो ना बच्चों को आपस में बात करनी चाहिए ना किसी और से, ठीक है फ्रेंड्स, ना कोई शोर करना चाहिए, ठीक है। जब टीचर क्लास में बोलता है ना बच्चों को शोर करना चाहिए ना आपस में बात करनी चाहिए, ठीक है, इससे कम इसमें अगर ऐसा होगा तो ये कम्युनिकेट जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सही हो जाएगा। डू नॉट ओवर लोड द पीपल्स बट गिव सफिशेंट इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग। टीचर को चाहिए कि बच्चों को क्लास में वो ओवरलोड नहीं, कि किसी टॉपिक के बारे में जो पढ़ा रहा है वो इतना ज़्यादा ना पढ़ा दे कि बच्चों को समझ में ना आए, बस इतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जो बच्चे आसानी से उसको समझ पाए। यानी कि टीचर को क्लास में किसी चीज़ के बारे में उतना समझाना चाहिए जिसे बच्चे आसानी से समझ पाए। कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन, ये लास्ट पॉइंट है। इट इज़ पुअर कम्युनिकेशन टू से वन थिंग एंड टू कॉन्ट्राडिक्ट इट बाय योर एक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर इट इज़ पुअर कम्युनिकेशन टू से वन थिंग, अगर टीचर क्लास में कुछ चीज़ का बोलता है तो बाद में उसी चीज़ का खंडन कर देता है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट होता है खंडन करना। यानी कि टीचर पहले क्लास में कुछ चीज़ को कहे फिर उसी बात को गलत कह दे तो वो पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। इफ़ ए टीचर इज़ स्लोपी इन सेटिंग आउट एंड राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि अगर टीचर को क्लास में जब ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा उसको लिखने में दिक्कत आ रही है क्योंकि ब्लैक बोर्ड गंदा हो चुका है, दैट टीचर कैन हार्डली एक्सपेक्ट हिज पीपल्स टू कीप देयर एक्सरसाइज बुक्स नीट एंड टाइडी मेयरली बिकॉज ही टेल्स देम टू डू सो। देखिए अगर टीचर क्लास में जब ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ाता है तो वो ब्लैक बोर्ड को पूरा भर देगा, है ना, जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ वहाँ कर देगा, तो बच्चों को चाहिए वो वैसे वैसे ही करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखेगा तो बच्चों को वो बच्चों से आशा करता है या उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि जो वो लिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे बच्चे उसको वैसा ना लिखें, उनको नीट एंड क्लीन लिखें। ए टीचर्स एक्शन आर अंडर कॉन्स्टेंट स्क्रिटनी एंड क्रिटिसिज्म बाय पीपल्स, ठीक है। इसमें क्या है कि जो टीचर्स का जो एक्शन है तो उसको जो अगर जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो अगर बच्चों को नहीं समझ में आता तो बच्चे उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, जिससे उसको जो बच्चा है उसको अच्छे से टीचर बाद में उसको करा देगा। यानी कि इसमें क्या मतलब है कि अगर टीचर द्वारा बच्चों को पढ़ाया समझ में नहीं आया तो बच्चे उसको कह सकते हैं कि समझ में नहीं आया तो टीचर उसको दोबारा से करवा देगा। लेक्चर में करेंगे एक्टिव लिसनिंग। तो फ्रेंड्स देखिए कि लिसनिंग, एक होता है शब्द हेयरिंग एक होता है लिसनिंग, तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो 99% जो स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं वो दोनों को एक ही मान लेते हैं, वो कहते हैं लिसनिंग भी एक है हेयरिंग भी एक है, पर इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। वो देखिए कैसे, देखिए जो हेयरिंग होती है वो होता है सुनना, लिसनिंग का मतलब भी सुनना ही है, पर लिसनिंग का मतलब है ध्यान से सुनना, है ना। तो हेयरिंग का मतलब हो गया सुनना, लिसनिंग हो गया ध्यान से सुनना। आप दिन भर हेयरिंग करते हो, ये भी सुना ये भी सुना ये भी सुना, वो होता है हेयरिंग। जब आप किसी क्लास के अंदर या जब आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो तो आप इसको हेयरिंग नहीं, इसको आप लिसनिंग करोगे, यानी कि आप इसको ध्यान से सुनोगे,
ठीक है फ्रेंड्स, तो होती है लिसनिंग, तो हियरिंग और लिसनिंग में जिसको नहीं मीनिंग पता था उनको पता चल चुका है, तो आज हम करेंगे एक्टिव लिसनिंग। देखिए, रेयरली लिसनिंग टू स्टूडेंट इज क्रिटिकल टू द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप फॉर नोइंग देयर टीचर इज इंटरेस्टेड इन वर्ड दे आर सेइंग मेक स्टूडेंट फील्स कैरिड अबाउट द एंड इमोशनल कनेक्टेड टू टीचर। लिसन इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली एज ए मैटर ऑफ काइंडनेस बट एज ए मोटिवेशनल स्ट्रेटजी। देखिए, इसमें क्या है कि अगर रियली लिसनिंग क्या है, अगर चीज़ों को वाकई अच्छे से सुना जाए, तो उसमें क्या है कि जो स्टूडेंट है वो टीचर का, देखिए इसमें क्या बताया गया कि जो अच्छे से सुना जाए किसी चीज़ को, इससे क्या होगा, स्टूडेंट और टीचर का जो आपसी संबंध है, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऐसा नहीं हो पाता तो इसमें क्या है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसमें क्या है कि टीचर को ये सुनना चाहिए कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम, बच्चे क्या कह रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, यानी कि टीचर को ये सुनना चाहिए कि बच्चों को, स्टूडेंट को किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको अच्छे से सुन के टीचर को उसको समझा देना चाहिए, अच्छे से उसको पूरा कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा, स्टूडेंट जो है वो एक अच्छा फील करेंगे, एक मतलब कि प्रॉब्लम लेस फील करेंगे अपने आप को, जिससे क्या होगा वो इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे टीचर से, यानी कि क्लास में टीचर अपनी बात स्टूडेंट को कह पाए और स्टूडेंट की बातों को टीचर अच्छे से सुने, तो जिससे दोनों में एक इमोशनली जो है वो रिलेशनशिप बनेगा, एक अच्छा सा रिलेशनशिप बनेगा, जिसमें बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना ही टीचर को प्रॉब्लम आएगी। तो होता क्या है, कई बार जैसे बच्चों को कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, तो होता क्या है कि टीचर बच्चे की बातों को ध्यान से सुनते नहीं है, जिससे बच्चों के मन में बातें रह जाती हैं, जिससे वो इनको चीज़ें मुश्किल लगती हैं, तो अगर टीचर उनकी बातों को समझे तो वो आसानी से इसमें हो पाएगी। ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम है, टीचर उनकी बातों को समझा दे तो वो आसानी से पूरा हो सकता है, जो उसे बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। गुड स्पीच टू हेल्प बाउंड स्टूडेंट्स ऑफ सब्जेक्ट टॉपिक, यानी कि जो अच्छी स्पीच है वो स्टूडेंट को है, क्या है को एक जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है सब्जेक्ट रिलेटेड, इनफैक्ट एट टाइम टीचर आर एवेल्यूएटेड फॉर देयर मल्टी टास्किंग एबिलिटी, हाउएवर अनलेस यू अपीयर टू कंप्लीट फोकस ऑन द स्टूडेंट स्पीकिंग टू यू, ही इज एप्ट टू थिंक यू केयर नाइदर अबाउट वट ही सेइंग और हिम। कॉन्सिक्वेंटली इन एडिशन टू रियली लिसनिंग टू स्टूडेंट्स, वी मस्ट ऑल्सो शो वी आर रियली लिसनिंग। यानी कि देखिए, गुड स्पीच में क्या है कि गुड स्पीच है वो स्टूडेंट की हेल्प करते हैं किसी सब्जेक्ट को लेके, यानी कि एक स्टूडेंट ने अगर किसी सब्जेक्ट का जो टॉपिक चुना है, अगर वो अच्छी स्पीक देगा, या ये मान के चले कि किसी स्टूडेंट ने किसी सब्जेक्ट को चुना है, अगर उसे उस पर अच्छी स्पीच मिल जाए तो स्टूडेंट को इससे काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि जो टीचर है, ठीक है, इसमें उसको मल्टी टास्किंग एबिलिटी चाहिए, यानी कि अगर टीचर जो स्टूडेंट को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो टीचर क्या करेगा, उसको विभिन्न तरीके से मल्टी टास्किंग तरीके से उसको चीज़ों को करवाएगा। ठीक है, यानी कि अच्छे से तरीके से एग्जाम्पल दे के समझाएगा, बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, वो हो गया लिसनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक्टिव लिसनिंग के स्टेप्स क्या हैं। देखिए, ऑल दो द फीडबैक सेट स्टेप इज़ द हार्ट ऑफ द एक्टिव लिसनिंग टू बी इफेक्टेड टेक ईच ऑफ द, देखिए अब देखेंगे इसमें क्या है एक्टिव लिसनिंग के स्टेप क्या है। देखिए, लुक एट द पर्सन एंड सस्पेंड अदर थिंग्स यू आर डूइंग, यानी कि एक्टिव लिसनिंग में सबसे पहली बात क्या आती है कि आपको जो पर्सन आपको कुछ बात को समझा रहा है, जो कुछ कह रहा है, पहले आपको उसके तरफ देखना है और अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ देना है, यानी कि जिस काम में आप लगे हो उसको अच्छे छोड़ दो। जैसे क्लासरूम के अंदर होता है, जो बच्चे आपस में बात करते हैं, जब क्लास में टीचर कुछ पढ़ाने लगे तो उनको अपनी बातों को छोड़ के टीचर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लिसन नॉट मेनली टू द वर्ड्स बट द फीलिंग कंटेंट, यानी कि जो उसके शब्दों को समझने के बजाय उसकी जो कंटेंट की जो फीलिंग है उसको समझना चाहिए, यानी कि जो बंदा, जो व्यक्ति जो बातें कह रहा है उसको शब्दों को छोड़ दे, तो जो जो कंटेंट, वो जो विषय समझाने जा रहा है उसको फील करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि नेक्स्ट है बी सिंसियरली इंटरेस्टेड इन व्हाट द अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट, जो दूसरा पर्सन कुछ टॉपिक के ऊपर कुछ बातों को समझा रहा है, उसको
बहुत ही सिंसियर तरीके से इंटरेस्ट लेके समझना चाहिए। रीस्टेट व्हाट द पर्सन सेड, यानी कि ये समझना चाहिए कि जो पर्सन वो कह क्या रहे हैं, ठीक है, कोई पर्सन जो है किस बारे में बात कर रहे हैं। आस्क क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन वंस इन अ वाइल, अगर आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन कर दो, जिससे क्या होगा उसको भी पता चलेगा कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो। आस्क क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन वंस इन अ वाइल, ये हो गया। बी अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स एंड स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, आपको अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको भी अच्छे से समझना चाहिए और अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखना चाहिए। यानी कि अगर आपने उसको कोई क्वेश्चन कह दिया उसका क्लैरिफिकेशन करने के लिए, तो जब आप अपनी फीलिंग जो उसको कह रहे हो बता रहे हो तो आपको वो उसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अपनी स्ट्रॉन्ग राय रखनी पड़ेगी। इफ़ यू हैव टू स्टेट योर व्यू से देम ओनली आफ्टर यू हैव लिसन, यानी कि पहले वो अपनी सारी बात कह दे उसके बाद ही आपको अपनी बात अपने विचारों को रखना है। तो हो गए एक्टिव लिसनिंग के स्टेप। तो फ्रेंड्स, जैसे कोई व्यक्ति कोई बात कहेगा तो आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हो कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, जब आप उससे क्वेश्चन आंसर करोगे अपने विचार रखोगे तो उसको भी पता चलेगा कि आप उसकी अच्छी बातें या उसकी बातों को समझ रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। टीचिंग स्टूडेंट्स टू फोकस एंड लिसन, देखिए जो टीचिंग है स्टूडेंट को फोकस करता है किस पे, लिसन पे, ठीक है, यानी कि जो टीचिंग है इसमें बच्चे फोकस करते हैं सुनने में। एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन ऑन यूजिंग द हियर स्ट्रेटजी ऑफर्स कंक्रीट स्टेप टू फोकस ऑन एंड इम्प्रूव लिसनिंग एंड एम्फेसाइज वाई एंड हाउ डेवलपिंग द स्किल इज सो इम्पोर्टेंट, यानी कि इसमें ये देखा जाता है कि जो हेयरिंग का जो सुनने का जो स्किल है वो क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट को ये क्यों करना चाहिए। देखिए, एज मिकीगन टीचर एरोन रोहेट से, ये एरोन जो रोहेट्स हैं इन्होंने कहा है, जस्ट सेइंग दैट वन इज़ गोइंग टू बी ए बेटर लिसनर इज नॉट इनफ टू मेक इट हैपन, वन मस्ट वर्क हार्ड टू इम्प्रूव सच एज एसेंशियल स्किल, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, इसको आप अच्छे से देखना। द हियर स्ट्रेटजी कंसिस्ट ऑफ फोर स्टेप, देखिए हियर का मतलब सुनना। अब HEAR को इन्होंने शब्दों को इसको वन बाय वन इसकी एब्रीवेशन यहाँ पे समझाई हुई है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो उसको कैसे कैसे सुनना है, इसके चार स्टेप बताएं। पहला है हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब होता है पड़ाव, ठीक है। स्टॉप व्हाट एवर एल्स यू आर डूइंग, एंटर यूर इंटरनल डायलॉग ऑन अदर थाट एंड फ्री योर माइंड टू पे अटेंशन टू द पर्सन स्पीकिंग। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि आपको सब कुछ छोड़ देना है जो आप कुछ कर रहे हो, आपको जब आप दूसरे किसी की बात सुन रहे हो तो आपके मन में जो आपके बातें चल रही हैं आपको वो भी करनी चाहिए दूसरों के सामने, ठीक है फ्रेंड्स। आपको अपने माइंड से बिल्कुल टेंशन हटा के अटेंशन देना पड़ेगा उस बंदे के ऊपर जो बातें वो कह रहा है। सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति की आप बात सुन रहे हो तो आपको पहले अपना काम छोड़ देना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आपको कोई व्यक्ति कुछ समझाने आ रहा है तो पहले आप अपनी सारे काम को छोड़ के उसकी बातों को ध्यान से सुनो तो आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उसको अच्छे से सुनो, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आपके माता पिता आपको कुछ समझाते हैं ना तो वो आपको चीज़ें समझाएंगे तो आपको भी चाहिए कि आप भी अपने मन के विचार किए तो वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंगेज या संलग्न, देखिए फोकस ऑन द स्पीकर, जो बंदा आपको बात व्यक्ति आपको बात समझा रहा है पहले आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। वी सजेस्ट ए फिजिकल कॉम्पोनेंट सच एज टर्निंग योर हेड स्लाइटली सो दैट योर राइट ईयर इज टुवर्ड द स्पीकर एज ए रिमाइंडर टू बी एंगेज सोली इन लिसनिंग। तो अगर आपको कोई पहली बात तो है कि आप फोकस करिए स्पीकर के ऊपर जो आपको बंदा जो व्यक्ति आपको बात समझा रहा है, तो साथ में आप अपना सर को साथ साथ हिलाइए थोड़ा थोड़ा सा, जैसे होता है क्लास में आपको कोई बात समझाए तो आप सिर हिलाते हैं ऐसे, तो उसे उसको भी ये पता चलता है कि हाँ जो मैं बात समझा रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ रही है। नेक्स्ट एंटीसिपेट पूरा अनुमान, बी लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट द स्पीकर हैज़ टू से, यू आर एक्नॉलेजिंग दैट यू विल लाइकली लर्न समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग विच विल इन्हेंस योर अटेंशन। अब देखिए कि आपको एंटीसिपेट यानी कि आपको पूर्व अनुमान होगा कि जो व्यक्ति आपको कुछ बात कहने जा रहा है कोई वो कोई नई बात है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा,
इसलिए आपको वहाँ पे अटेंशन देनी चाहिए। रिप्लाई यानी कि फिर से, थिंक अबाउट व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, एनालाइज एंड पैराफ्रेज इट इन योर माइंड और इन डिस्कशन विद द स्पीकर एंड द अदर क्लासमेट। रिप्लाइंग द इंफॉर्मेशन विल एड इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग व्हाट यू हैव लर्न। इसमें क्या है कि देखिए कि जो स्पीकर ने आपको कहा है पहले आप उसको सुनिए, फिर अपने दिमाग में इन बातों को बिठाइए, फिर इसको अच्छे से समझिए, फिर अपने क्लासरूम में या ये क्लासमेट से या अदर बंदे या अदर व्यक्ति से उसको अच्छे से डिस्कशन करिए, ठीक है, फिर आप उस इंफॉर्मेशन का रिप्लाई करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए। देखिए पहला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट द टीचर हैज़ इन द क्लासरूम इज टर्म एज, यानी कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो वो कौन सी कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो आपके सामने ऑप्शन है इंट्रापर्सनल मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन या फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर है ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन सी कम्युनिकेशन है जिसमें जो एक टीचर है क्लास में जो पढ़ा रहा है वो कौन सी टाइम है, वो है ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे इसका आंसर जो है वो फेस टू फेस भी हो सकता है, तो यहाँ पे सी इसका आंसर बताया गया है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, जर्नल सेंट्रिक या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, तो ये होता है स्टूडेंट सेंट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम टीचिंग इज, इनकी जो क्लासरूम में जो टीचिंग है जो शिक्षण है वो कैसे किस हिसाब से सक्सेसफुल होगा, सर्कुलर, रेसिप्रोकल, डायरेक्शनल या इन्फ्लुएंस। तो इसका आंसर है बी, रेसिप्रोकल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसे नॉर्मली कैसे कंसीडर किया जाता है, इफेक्टिव, कोऑर्डिनेटिव, इफेक्टिव या सिलेक्टिव। तो इसका आंसर है सी, इफेक्टिव। तो फिगर आउट द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन ए क्लासरूम फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको इसमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ढूंढना है। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें चार ऑप्शन ढूंढना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन से हैं। मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन कराए हैं, आपको इसमें से क्वेश्चन ढूंढने हैं। तो इसका आंसर है डी, फेशियल एक्सप्रेशन, काइनेसिक्स एंड पर्सनल स्पेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फैक्टर ऑफ एक्टिव लिसनिंग, यानी कि जो इफेक्टिव लिसनिंग है इसके बेसिक फैक्टर क्या है। तो देखिए ओपिनियनेशन, स्टेयर एंड ग्लेयर द इंटरप्शन, अग्रेसिव क्वेश्चनिंग, कॉन्टिन्यूस क्यूज एंड फ्रीक्वेंट मूवमेंट, मी टू इज्म, ग्लैंसिंग साइडवेज एंड ऑफरिंग एडवाइस, या एक्नॉलेजमेंट ऑफ द थॉट, रिफ्लेक्शन एंड द आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। एज ए गुड क्लास कम्युनिकेटर यू आर सपोज्ड टू नो यूर, अगर आप एक क्लास कम्युनिकेटर, अच्छे क्लास कम्युनिकेटर हो तो ठीक है, यू आर सपोज्ड टू नो यूर, तो आपको इसमें क्या पता होना चाहिए। देखिए ऑडियंस इमोशन, यानी कि अगर आप एक अच्छे क्लास कम्युनिकेटर हो तो आपको क्या चीज़ आनी चाहिए। देखिए ऑडियंस इमोशन, साइलेंस क्यूज, आर्टफुल पोज या काउंटर आर्गूमेंट, तो आपको आर्टफुल पोज आनी चाहिए। यानी कि जब आप किसी क्लास, अगर आपको ये पता है कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस किस चीज़ पे रुकना है। ठीक है, जैसे होता है ना कि कोई स्टेज पे कोई अपनी बात कहे तो जो व्यक्ति है वो, जो ऑडियंस है वो तालियां बजाने लग जाए, तो वो जो कम्युनिकेटर है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, उसके बाद अपनी बात शुरू करता है। ठीक है।